भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती आज प्रीतम फार्म हाउस गोविंदपुरम गाजियाबाद से आज हम लोगों ने हमारे साथ महामंडलेश्वर शिवानी दुर्गा जी हैं। आप सभी इन्हें जानते होंगे, बहुत बड़ी तंत्र साधिका हैं। आज यहां महायज्ञ में आशीर्वाद देने के लिए आई है। सुखपाल चौधरी जी हैं, वीर सिंह त्यागी जी हैं, अनिल यादव जी हैं, हमारे स्वामी जी हैं, सतेंद्र चाचा सामने खड़े हुए हैं, अरुण त्यागी जी उधर खड़े हुए हैं, वरुण तरुण हमारे सनोज शास्त्री जी अब हवन आज का हवन संपूर्ण होने के बाद नाश्ते की और खाने की तैयारियों में लगे हुए हैं। 12 और 13 जनवरी को यहां एक सनातन धर्म के मानने वालों की धर्म संसद होने जा रही है। आज हमने ये जो मां का यज्ञ आरंभ किया है, हमारी मां से कामना है कि मां सनातन धर्म के मानने वालों की रक्षा करे, सनातन धर्म के मानने वालों की संतानों की रक्षा करे और जो लोग सनातन धर्म को और सनातन धर्म के मानने वालों को मिटाना चाहते हैं मां उनका विनाश करे। इस कामना से हमने आज मां बगलामुखी का यहां आह्वान किया है। देवों के देव महादेव शिव यदि सनातन धर्मियों पर प्रसन्न रहे और मां की कृपा रही तो दुनिया की जितनी भी शक्तियां सनातन धर्म को मिटाना चाहती हैं, सनातन धर्म के मानने वाले उन शक्तियों को मिटा देंगे। मैं दुनिया के हर हिंदू तक ये संदेश देना चाहता हूं, यदि तुम मां के बेटे हो, यदि तुम महादेव के बेटे हो, तो ये याद रखना कि आर्य कभी किसी के दास नहीं होते। जो दूसरों के गुलाम दास हो जाते हैं वो तब बनते हैं जब हम अपने आर्यत्व को छोड़ देते हैं। आर्य दुनिया में कभी किसी का दास नहीं बन सकता। हमें पुनः आर्य बनना है। आर्य का मतलब ये नहीं जो आर्य समाज वाले हैं, आर्य समाज वाले भी आर्य हैं, लेकिन हम भी आर्य हैं। हम जो शिव के भक्त हैं, हम जो शक्ति के भक्त हैं, हम भी आर्य हैं और हमें दोबारा से शिव और शक्ति को सर्वोपरि मानकर अपने धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होना है। इसी विचार के लिए 2 दिन की धर्म संसद 12 और 13 जनवरी सन 2020 प्रीतम फार्म हाउस गाजियाबाद में है। मेरा सभी हिंदुओं से अनुरोध है कि सभी हिंदू आए और बैठकर विचार करें कि कहीं हमारी संतानों के लिए खतरा तो नहीं है, कहीं हमारे धर्म के लिए खतरा तो नहीं है। और सब हिंदू जब हम मिलकर विचार करेंगे और जो विचार करेंगे मां और महादेव की कृपा से उन विचारों को पूरा करेंगे तो धर्म भी बचेगा और हमारी संतानें भी बचेंगी। अब मैं परम आदरणीय महामंडलेश्वर जी से अनुरोध करता हूं कि वो यहां हमें आशीर्वचन दें और अपने आशीर्वचन को सनातन के सभी लोगों तक पहुंचाएं। महादेव जय भवानी। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूं कि मैं आज यहां यज्ञ में उपस्थित हूं जो कि माननीय यति नरसिंहानंद सरस्वती जी ने आयोजित किया है। और एक ही कामना हम सबकी जो यहाँ उपस्थित है, एक ही कामना है कि हिंदू धर्म की रक्षा हो, इससे जुड़े हुए लोगों की रक्षा हो, जो इसके प्रचार प्रसार में लगे हैं उनकी रक्षा हो, हमारे राष्ट्र की रक्षा हो, जवान जो हमारे लिए दिन रात सीमा पर खड़ा है उसकी रक्षा हो, ताकि हम धर्म का पालन कर पाए। आज अगर जवान ना हो सीमा पर तो हम धर्म की रक्षा नहीं कर पाएंगे, कोई भी धर्म गुरु धर्म की रक्षा नहीं कर पाएगा। इसके लिए उन जवानों के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे धर्म के लिए आप सभी हिंदू भाई बहनों से अनुरोध है, हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप 12 और 13 जनवरी को जो धर्म संसद होने जा रही है उसमें अवश्य पधारें और आप अपना जो भी जिस भी तरीके से योगदान दे सकते हैं इसमें योगदान दें। आपको पता है विधर्मी इस्लाम में
वो लोग आपस में एकजुट हैं, अपने धर्म को बचाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए वो साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करते हैं, हर तरह से सहयोग करते हैं अंदर ही अंदर, उनको बाहर से फंडिंग होती है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है, हम आपस में एक दूसरे को सहयोग करें। ऐसी मेरी माँ से प्रार्थना है कि ऐसी हर हिंदू को बुद्धि प्राप्त हो कि वो धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए सदैव खड़ा रहे। यही मेरी प्रार्थना है और यही मेरा वचन है कि मैं खड़ी हूँ, आप सब भी खड़े हों। हर हर महादेव, जय महादेव।